अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निदा मंजूर और आप देख रहे हैं निदा मंजूर व्लॉग्स। तो काइंडली जो भी मेरे चैनल पर नया है, वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ और कमेंट भी करते रहिए। तो आज ही मैं बना रही हूं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूं वैसे, लेकिन अच्छा बना था ये। मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ पराठा। तो मैं लेकर आई थी सुपरमार्केट से श्रेडेड चीज़ का पैकेट लेकर आई थी, कोई हाफ के जी का। वैसे एडम्स की चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने पेड़ा बनाया, फिर मैंने इसको एक नॉर्मल रोटी की तरह बेला और उसके अंदर मैंने ऐड कर दी मुजरेला चीज़, जो कि श्रेडेड थी मेरे पास अवेलेबल। यहाँ पे भी मैं पिक्चर में भी लगाऊंगी, ऊपर लिखा हुआ है, कंपनी का नाम मैंने नहीं लिखा, लेकिन 650 रुपीज़ का ये हाफ़ के जी श्रेडेड चीज़ का मुजरेला का मुझे पैकेट मिला था। तो मैंने इससे बनाए कोई 4 पराठे, अभी भी अच्छी खासी बची हुई है। एक मैंने बनाया था इसके साथ सैंडविच, चिकन चीज़ सैंडविच, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, जिस तरीके से आलू का पराठा बनाते हैं, इस तरीके से आपने पेड़ा बनाया और इसको आपने अच्छे से बेल लिया। श्रेडेड होती है तो इजी हो जाता है बेलने में भी, तवे पे डाला और इसको फिर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो रोटी पक जाए, जिस तरीके से नॉर्मल पराठा बनाते हैं उस तरीके से। ये तवे पर डाल दिया और ये वेट करेंगे कि पक जाए, उसके बाद साइड पर इसको फ्लिप करेंगे और घी तेल जो आपका दिल करे वो डालो। वैसे मैंने इसके अंदर घी डाला था क्योंकि पराठे मुझे घी में अच्छे लगते हैं, तेल में अच्छे नहीं लगते। और अब इसको आप हल्के हल्के से क्रिस्पी करना है, तो आप धीमी आग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के या ज़्यादा घी डाल के इसको आप क्रिस्पी कर सकते हो। मैंने इसको नॉर्मल सा रखा, सॉफ्ट सा रखा, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा कड़क पसंद कर रही थी इस टाइम पे। मैंने टोटली कोई ये 4 पराठे बनाए थे बच्चों के लिए और मेरे लिए, और अच्छे थे। इसके साथ मैंने बनाई थी मिक्स दाल, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। बघारी बनाई थी, बघारी मीन्स हमारे पास तो बघारा उसी को बोलते हैं जिसमें गोश्त ना डाला गया हो। तो नॉर्मली जो दाल सब्ज़ी होती है वो बघारी कहलाती है। ओके, तो ये मेरा कोई 3रा पराठा था जो मैंने बनाया है। ये बहुत ज़बरदस्त से कलर के साथ बना था और बहुत ज़बरदस्त था ये खाने में। बस आप इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। तो वैसे ही अच्छा बना था और इसमें जो चीज़ की इलास्टिसिटी आती है वो बहुत अच्छी सी आई थी। इसके साथ थी मिक्स दाल और चीज़ के, इसके अंदर भी दाल के अंदर भी मैंने चीज़ ऐड की थी, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड नहीं की। और इसके साथ था भिंडी का सालन जो कि बघा रहा था। ये चेक कर लीजिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ की जो स्टफिंग की वजह से इलास्टिसिटी आ रही है, इसे चीज़ खींचती है। तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का, माउथ वाटरिंग था ये। तो ये था मेरा चीज़ पराठे की रेसिपी। काइंडली जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।